कोठारी पे कंसंट्रेट किया और सोचा कुछ और बात करी जाए। बंटी भाई क्या हुआ अंदर, तुम बताओ यार। टीचर ने सबको सुनाया पर हमें नहीं सुनाया, क्योंकि जो हमारी बहन है वो बड़ी अच्छी है पढ़ाई में भी। हाँ। और उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा है, तो सारा कुछ अपना बढ़िया रहा। तो बस टीचर जी कुछ हमें देखे जा रही थी, फिर उन्होंने आंख में पूछ ही लिया कि तुम हो कौन। तो हमने बता दिया भाई है। कैंपस विजिट हम कराएंगे, लगता है यहीं तक ही है, क्योंकि जैसे ही मैं आगे लेके गया एक चश्मे वाला आदमी बैठा, जूनियर विंग उस तरफ है, ये इनके हॉस्टल है, ये सारा हॉस्टल है, यहीं पार्क होती है गाड़ी जब शैली के साथ में आता हूँ, और ये स्कूल है, यहाँ एक पीछे कैंटीन है। ज़्यादा मुझे भी नहीं पता इनके स्कूल के बारे में, पर स्कूल काफ़ी सुंदर है और बन रहा है। अरे बड़ी फीस दे रहे हैं हम तो बने गई। जो भी मेरे दोस्त लोग व्लॉग देख रहे हैं, अगर उनके नोट में तो DIS पढ़ाओ, दून इंटरनेशनल स्कूल अच्छा स्कूल है। सबसे बेस्ट बात है कि एजुकेशन बहुत बेस्ट है, एक प्रॉपर गाइडेंस देते हैं, मतलब मेरे भाई बहन को कुछ हॉस्टल भी अगर दूर के रह भी सकते हो तो वो जो होता है ना प्रॉपर कि यार ट्यूशन भी लगाना होता है, जैसे अपने यार स्कूल में ट्यूशन भी लेते थे, तो यहाँ नहीं लेना पड़ता क्योंकि यहाँ पे बच्चे को ये लोग बहुत स्ट्रिक्टनेस लगाते हैं। ये है गलियों में, भूल भुलैया हो गलियों में। चलो बिना टाइम निकालते हुए अपने चला जाए डालन वाला में। चलो जी निकालो गड्डी वंडी भाई, चला जाए डोई वाला तो आ गई कुछ। ब्रेकफास्ट किया नहीं था तो सुबह उठते ही सोचा यहाँ आके छोले कुलचे खाए जाए। भाई की दुकान है प्रेम नगर में। ये प्याज व्याज आने कर दो, बाकी तो देख कैसे हैं। हाँ हाँ कैसा लगा स्वाद? बढ़िया, बहुत बढ़िया भैया। प्रेम नगर आओ तो यहाँ जरूर आना, नंबर है भैया को। क्या? जय माता दी शॉप। जय माता दी शॉप भैया का नाम। तो यार UIIT से तो निकल आए थे, वहाँ शूट नहीं कर पाए जल्दी से निकल आए थे, तो आते आते रास्ते में पड़ा गोला, तो बंटी भाई ने कहा कि गोला खाएंगे। कौन कौन से फ्लेवर है भैया? तू कौन सा लेगा? काला कट्टा ही भैया, दो काला कट्टा कर। ये देखो बंटी भाई अपनी जीप दिखाइयो, ये देखो, और लौंडे ने पूरा गोला ख़त्म कर दिया। दुकान का नाम नहीं है भैया आपकी? नाम रखो यार, हमारे जो लोग देखने वाले होंगे कैसे आएंगे। नाम रख दिया हमने, बरेली वाले भैया। बरेली वाले भैया। तो यार ये नेचुरल प्रोडक्ट है, इसको पीना चाहिए, बहुत ही हेल्दी होता है कोकोनट वाटर। ये वो एक कैफ़े है जहाँ मैं बहुत दिनों से जाने की सोच रहा हूँ पर जा नहीं पा रहा हूँ, तो जिस दिन जाऊँगा तो ज़रूर ब्लॉग बनाऊँगा यहाँ का। ये सामने KFC है, ऐसी जगह से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। और ये इम्पीरियल कॉलोनी है, भी बहुत अच्छी कॉलोनी है, जस्ट पीछे गोल्डन मीनार जहाँ मैं रहता हूँ, मस्त है। यहाँ पर मज़े लेते हुए कोकोनट वाटर पिया जा रहा है अपने दोस्त के साथ। जनाब हम तफ्तीश कर रहे हैं, ये जान लो अफसर,